आज हम आपके साथ शिकंजी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं और ये बहुत इजी होती है। जैसे और बड़े या बच्चे गर्मियों में बहुत ही चलन होता है इसका, तो हम घर में भी इसे होममेड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ भी ऐसे मसाले नहीं होते जो हम घर में मौजूद नहीं होते हैं, और चीज़ें भी ऐसी नहीं है, बस एक सोडा पानी जो होता है, सोडे की बोतल होती है एक, ये मार्केट से ले रहे हैं। तो इसके साथ हमारा बिल्कुल ओरिजिनल मार्केट जैसे शिकंजी बन जाएगी। बाकी आप सिंपल बगैर सोडे की बना सकते हैं, लेकिन वही टेस्ट आएगा, बस एक सोडे का जो तेजी और फ्लेवर और जोश होता है वो नहीं रहेगा, बाकी आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो आज हम ले लिया है थोड़ा वाटर, और इसके साथ हम आपको बस मार्केट जैसी ओरिजिनल बनाना सिखाएंगे। हमको जिन चीज़ों की जरूरत है हम देख लेते हैं। हमारी सबसे पहले ये क्रश की हुई बर्फ़ है, बर्फ़ है, इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जाती है, तो पीने में फिर बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल बाजार जैसी लगती है, खूब ठंडा ठंडा सा रहता है, खूब तब लगता है कि हाँ ये मार्केट जैसी किशनगंजी है। और नींबू का जो रस जाएगा, ये हमने 2 से 3 नींबू का रस ले रखा है, और ये टेस्ट के हिसाब से 1 गिलास में जाएगा, 1 से 2 चम्मच जा सकता है। और शुगर सिरप मैंने बना लिया है, ये भी 1 से 2 चम्मच जा सकता है टेस्ट के हिसाब से। और ये देखिए हमने मसाले ले रखे हैं, करीब 1 टेबल स्पून हमारे पास चाट मसाला है, और 1 टीस्पून हमारे पास काला नमक है, और करीब 2 टीस्पून हमारे पास भुना जीरा है। बस इतने ही मसाले होते हैं, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट मसाले हैं। बाकी चाट मसाला जो होता है इसमें काली मिर्च से लेके बहुत सी ऐसी कुछ मसाले होते हैं, गर्म मसाले होते हैं जो चाट मसाले के अंदर ऑलरेडी होते हैं, तो ज़्यादा कुछ और भी मसाले लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने चाट मसाला लिया, इसमें खट्टा खट्टा भी होता है जो कि नींबू में भी खट्टा होता है ऑलरेडी, और फिर भी चाट मसाले में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमने चाट मसाला ले लिया है, तो उसके साथ सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो बहुत ईजी है बनाना। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका 1 चम्मच हमारे लिए 1 गिलास के लिए काफ़ी होगा। तो इस तरह से आप जब भी बनाएं तो ज़्यादा चाहे तो मिक्स करके रख लें, और दिन गर्मियों में आप बहुत ही आसानी से शिकंजी बना सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी रमज़ान चल रहा है, तो ऐसे दिनों में तो बहुत ही इस तरह की चीज़ों की ख्वाहिश होती है कि हम क्या पी लें जो कि बिल्कुल प्यास बुझ जाए। और बहुत दिल करता है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा बहुत दिल करता है कि हम ये ठंडा बना लें, वो ठंडा बना लें, तरह तरह के शरबत बना लें। देखिए ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, और ये हमने 2 गिलास ले रखा है। तो पहले हम अपने शुगर सिरप को डाल लेते हैं, और नींबू का रस डाल लेते हैं 1 गिलास के हिसाब से। देखिए करीब करीब हम 2 चम्मच ले लेते हैं रस। ये हमारा शुगर सिरप है, इसको हम टेस्ट करके बढ़ा भी सकते हैं, ये अपने ऊपर है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने आइडिया से अभी 2 चम्मच डाल दिया, 1 चम्मच शुगर सिरप और डाल दिया क्योंकि गिलास हमारा थोड़ा बड़ा है। अब इसमें हम सबसे पहले हम अपने ये डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे, क्रश की हुई बर्फ़ डालेंगे, 2 चम्मच डाल लेते हैं भर भर के, एक और डाल लेते हैं। देखिए करीब आधा गिलास हमने बर्फ़ डाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे, अब मिक्स मसाले हुए हैं हमारे, बने हुए हमारे शिकंजी मसाला ये तैयार है। इससे करीब हम करीब देखिए 1 टीस्पून डालेंगे नीचे बराबर में लेके, कितना थोड़ा सा मिक्स करेंगे नीचे को। अब हम अपने सोडा इसमें डालेंगे, ठंडी बोतल है सोडे की भी, से भी ठंडी रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे, तो बिल्कुल ये हमारी मार्केट जैसी शिकंजी तैयार है। अगर आपके पास सोडा पानी नहीं लिया, आपने लिया सोडा वाटर की बोतल नहीं रखी है, तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, और उसमें 2 चुटकी सोडा डाल दें, थोड़ा सा उसमें जोश उसी तरह का हल्का सा आएगा, इतना तेज़ नहीं आएगा जितना, क्योंकि मार्केट सोडे में एक्स्ट्रा गैस डाली जाती है। तैयार है हमारा बिल्कुल परफेक्ट। ऊपर से हम थोड़ा सा बर्फ़ और डालते हैं क्रश की भी, जितनी अच्छी ठंडी ठंडी बर्फ़ के साथ होती है बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ही मज़ा आता है, बिल्कुल प्यास अंदर तक बुझ जाती है। तो देखा आपने कि हमारी शिकंजी तैयार है, और इसी तरह से आप भी बनाएं, बहुत इजी सिंपल रेसिपी है। पुदीना की पत्ती अगर एक्स्ट्रा अवेलेबल घर में है तो वो भी आप लगाएं, वो भी डाल दें थोड़ी सी, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। बच्चे बिल्कुल बाहर की शिकंजी नहीं पियेंगे। इसी तरह से आसानी से आप बनाएं और ट्राई करें, और फीडबैक दें, और रेसिपी हमारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।